और जब आयशा ने भी यहाँ पे कुछ चीजें बोली है तो उन्होंने आयशा को कहा था दैट आई एम नॉट कम्फर्टेबल यू शेयरिंग ऑल दिस देयर, क्या आप ये सारी चीजें जो मैंने आपसे शेयर की ये वहां पे मत करना, क्योंकि उनको भी मेकर्स ने ऑफर किया था, उन्होंने मना कर दिया। तो कोई रीजन होंगे ना कि वो नहीं चाहते कि मेरे साथ ये हो या हमारे दोनों की प्राइवेट चीजें बाहर आए। ये तो आयशा पे एक सिचुएशन है और आयशा के पास था तो बोले लो भाई भाड़ में गया, उसने मना भले किया हो लेकिन मैं बता देती हूँ, तो वो उसके लिए उनकी भी कोई गलती नहीं है, बट उन्होंने वो किया। तो मैं हमेशा से कोई गुड बॉय ये वाला नहीं बना रहा था, बट कहीं ना कहीं मैं जेन्युइनली उसे मिस करता था और जेन्युइनली मुझे वो फील होता था और वो ऐसी सिचुएशन आती थी और मैं कहीं ना कहीं जिंदा रखा हुआ था उस चीज को, एक उम्मीद पे कि शायद मैं कहीं जाकर बाहर जाकर इस चीज को मैं ठीक करना चाहूंगा। और जब अगर मैं यहाँ पे आकर रियलाइज कर रहा हूँ दैट मैंने बहुत गलतियां करी और मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ इंसान के साथ मुझे रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली मैं कहीं ना कहीं उस जोन में था और अभी भी कहीं ना कहीं मैं उस जोन में हूँ। बट वही है कि आप यहाँ बैठते हो, आपको पता नहीं होता कि सामने वाला इंसान ये सब देखकर कौन सी चीज से गुजर रहा है, आपको नहीं पता कि शायद वो इंसान आपके बिना ही तो बेहतर नहीं है, तो वो भी आपको बाहर जाके फिगर आउट करना है। तो उसकी वजह से मैंने the day she came, मैंने उसके बाद से उसका जिक्र करना बंद किया कि नहीं अब मैं बाहर जाकर ही उनसे बात करूंगा, जो उनके लिए बेहतर होगा वो आगे हो मेरी साइड से। तो कहीं बस वही रीजन था और कोई रीजन नहीं। इसी का एक और एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि जब आप आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लेते थे पहले, आयशा की एंट्री से पहले आपने कहा कि क्लोजर नहीं मिला था, आप लोगों का जो रिलेशनशिप था क्लोजर नहीं मिला था आपको भी उनको भी, तो आपको नहीं लगता है कि उनकी इजाजत के बिना उनका नाम पब्लिकली लेना सही है? जहां तक हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है क्लियरली क्लोजर नहीं था, बट आई डोंट मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि उनका नाम यहाँ पे लेने पे उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ये चीज को लेकर मैं बहुत श्योर हूँ। और कहीं ना कहीं जब मैं उनका नाम भी ले रहा हूँ उनको पता होगा कि ठीक है वो जेन्यून होगा, बट जस्ट बिकॉज उनके सामने कुछ और चीजें रिवील हुई उसकी वजह से उनका गुस्सा आया होगा, बट जहां तक मैं उनको जानता हूँ बहुत अच्छे से तो मैं 100% श्योर हूँ कि मेरे उन यहाँ पे उनका नाम लेने से उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों ही रेडी नहीं थे पब्लिकली ये बताने दैट हम लोग साथ नहीं है। तो अगर मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहता और वो भी नहीं बताना चाहते कि हम साथ नहीं है, इसका मतलब यही है कि मैं नाम लूंगा तो वो ओके होंगे। ये तो अब जब उनसे बात करेंगे तभी पता चलेगा बाहर जाकर। यस यस हेलो, मेरा नाम किशन है। मेरा आप क्या कहते हैं? मुझे पास्ट के बारे में कोई बात नहीं करनी सर, बिकॉज जो पास्ट था वो पास्ट था, लेकिन हाँ एग्जैक्टली अगर मैंने विकी से जो भी बातें की है जो तभी की है जो मैंने फील की है, मैं किसी का नैरेटिव ये बिग बॉस में आके मैंने सीखे हैं वर्ड्स, मुझे पता भी नहीं थे, लेकिन यस अगर मैं घर पे भी जब मुझे कोई चीज फील हो। आपने कहा कि नहीं, मैं समझ गई आपका, आपने मनारा ने कहा कि आपने कहा कि मनारा जानबूझ का करती है, तो आपको तो मालूम है कि जानबूझ का वो कर रही है, तो आपको हो जाना चाहिए कि नेशनल टेलीविजन में मैं क्यों सोचूं, मैं अगर ये रियलिटी शो है ना मैं वो करूंगी जो मैं रियली फील कर रही हूँ।